गेट हिल रहा है। नोटिस करना, ये क्या बोल रही है? क्या कोई भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मौजूद है? तेरे पास सेफ्टी है ना? हाँ, मेरे पास कुछ भी सेफ्टी नहीं। देख, एक बार चेक कर पहले जेब में। भैया यार, एक बात बोलूँ क्या? मेरी बात मानते, यहाँ से निकल ले यार। पता नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है, यहाँ से निकल लेते हैं भैया। आयुष भाई, बोलना सही है, मगर अगर इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो, अगर कोई ऐसी चीज़ है वाकई में जो गांव वाले बोल रहे हैं, ठीक है ना, अगर उनके हिसाब से अगर रियल में ये लोकेशन रियल है या हकीकत है, क्या है, जो भी है, एक बार तो एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को, ठीक है ना। मुझे पता है सेंसिटिव जगह है, जो भी यहाँ पे लोगों ने बताया उसके हिसाब से तेरा बोलना बिल्कुल सही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र मारोटिया, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोटिया। एक बार फिर न्यू हॉन्टेड लोकेशन के साथ में आपका भाई मौजूद है, और लोकेशन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि यहाँ जाने का मेरा भी मन नहीं है, मैं खुद घबरा चुका हूँ इस लोकेशन पे, क्योंकि वो देखो भैया, यहाँ से करीबन, ज़्यादा नहीं तो बताऊँ, 100 मीटर के दायरे के अंदर सारे घर उजड़ चुके हैं, और रियल हॉन्टेड लोकेशन पे मैं अभी इस समय खड़ा हूँ। कहानी यहाँ की है कि बहुत पुराने समय के अंदर एक सास और एक बहू और उसका बेटा रहा करता था यहाँ पे। नई नई शादी हुई थी, कुछ समय बाद में सास और बहू के अंदर बहुत काफ़ी झगड़ा होने लगा। एक दिन की बात है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और सास सही माना दोस्तों, मेरा खुद आज दिल घबरा रहा है इस लोकेशन पे जाने पे, क्योंकि लेटेस्ट में यहाँ पे करीबन लोगों का, गांव वालों का कहना है कि करीबन 7 से 8 मौतें यहाँ पे लेटेस्ट हुई है, जिन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाह या जो भी प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश करी है, जैसे भी करी है, जो भी यहाँ पे अंदर गया उनकी, मतलब 7 से 8 लोगों की मौतें हो चुकी है। आवाज आ रही है? दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आज मैं पहली बार कह रहा हूँ आपको, अगर कुछ दिखता है तो मैं दिखाऊंगा, बाकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं ज़्यादा टाइम बिता पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। कहानी पे आते हैं, कहानी ये है यहाँ पे सास बहू की लड़ाई के अंदर, एक दिन इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी कि इतना ज़्यादा, मतलब झगड़ा हुआ था उन दोनों के ऊपर कि, मतलब वो लड़ाई शाम को तो रुक गई थी, मगर अपने पति का आने का इंतज़ार वो बहू कर रही थी। और रात को जब उसका पति आया और जब माँ के लिए उसने कुछ भी गलत बातें सुनी तो उससे रहा नहीं गया, और उसी की पत्नी के इतनी मारकूट करी उसने, इतनी झापटे रखी कि, मतलब पत्नी विरोध। भैया साउंड नोटिस कर रहे हो क्या आप? साउंड नोटिस कर रहा हूँ भैया। पत्नी ने मन बना लिया कि इस माँ को अब मैं नहीं छोड़ूंगी, जिसका पत्नी इतना अपमान कर रहा है, जिसका पत्नी अपनी बात नहीं सुन रहा है, अपनी पत्नी की बात नहीं सुन रहा है, तो मतलब अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन जैसे ही पति काम पे गया, बस सासू पे वो उतरी, जो हाथ में आया सासू को मारा। मगर कहते हैं कि उस समय में सासू के हाथ में कुछ, नेगलेक्ट करो भैया,
जब देखूंगा, जब विश्वास होगा, मुझे भी विश्वास नहीं, जो भी हरकत होती है मुझे पता नहीं है। सासू के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया कि एक ही बार में उस बहू की गर्दन कट के अलग हुई, उसके बाद में ये जगह श्रापित हो गई है। और कहते हैं कि आज भी उस बहू का, जो भी बहू थी, उसकी स्प्रिट यहाँ पर नज़र आती है। और इस घर में किसी की हिम्मत नहीं है किसी की जाने की, वीरान हो चुकी है, उजड़ चुकी है। और इस लोकेशन पे केवल और केवल आपका प्यार जो सपोर्ट है उसी के कारण मैं अंदर जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ। आप कंडीशन देख सकते हो कि यहाँ से आसपास के घर खाली करके जा चुके हैं। यहाँ पर आप कंडीशन देखो, एक एक घर दिखाता हूँ। ये कंडीशन हो चुकी है दोस्तों, मतलब कोई भी रहना ही नहीं चाहता इस लोकेशन पे, यहाँ पे आना ही नहीं चाहता है। और किसी की भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे, मतलब इस प्रॉपर्टी को खत्म करके नई प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई जाए। अब जो मेन लोकेशन है वो दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाओ भैया। अंदर जाना बहुत मुश्किल है मगर मैं फिर भी आपके लिए जाऊँगा दोस्तों। बिना स्किप करें अब इस वीडियो को देखना और एक लाइक जरूर दे देना। नोटिस करो इस पे रोने की आवाज आ रही है, नोटिस कर रहा हूं, किसी लेडीज की रोने की आवाज आ रही है। सही बताऊं दोस्तों, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी माँ की सुगंध खा के कह रहा हूँ, अंदर जाने में भी मतलब दिल घबरा रहा है मेरा, इतना डर चुका हूँ मैं। मैं बोल रहा था आपको यहाँ से चल लेते हैं जितिन भैया, ये देखो जितिन भैया, फिर वही साउंड आवाज तो आ रही है, वो अंदर चल के देखते हैं भाई। उसमें कुछ है भाई आयुष भाई, कुछ है जितिन भैया, यहाँ पे है कुछ ना कुछ, जितिन भैया है कुछ क्या, कोई यहाँ पे स्प्रिट या कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई भी चीज अगर ऐसी है तो कोई ऐसा साइन हमें दे सकता है। इस कमरे में कोई आवाज आई है मुझे भाई, एक बार इधर देखना यहाँ से आवाज आई थी भाई, गेट बंद है भाई, गेट देख, गेट 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 आयुष भाई, गेट देख, गेट देख, गेट हिल रहा है, गेट हिल रहा है, गेट हिल रहा है, गेट हिल रहा है। जितने वो उधर, जितने उधर उधर भैया इधर देखो, एक बार नोटिस करो, ये देखो गेट हिल रहा है भाई, गेट हिल रहा है। और ये हर किसी की हिम्मत नहीं है गेट को हिलाने की। बाप रे आयुष, डर मत यार। देखो हमें आप ऐसे डरा नहीं सकते हो, आप जो भी हो, जो भी शक्ति हो, ठीक है ना, हमसे बात कर सकते हो आप, हमें डराने की कोशिश मत करो। और हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हमारा मतलब केवल इतना है कि आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो एक केवल हादसा था, दुर्घटना थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ में गलत करो और उनकी जान लेते जाओ। क्या अपने होने का एहसास आप हमें करा सकते हो, क्या आप यहाँ पे हो? अगर हो तो इस गेट को हिला के बताओ,
हिट नहीं लगा एक मिनट रुको क्या किसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे मौजूद है? ओ भाई नोटिस करना गाइस, ये क्या बोल रही है? क्या कोई भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मौजूद है? ओ भाई इसका मतलब है कुछ ना कुछ है यहाँ पे मौजूद है, कुछ ना कुछ मौजूद है भाई यहाँ पे। भाई मैं इसको बंद करता हूँ, एक सेकंड में इसमें जाऊंगा। पहले अगर आप यहाँ पे मौजूद हो, एक बार इस गेट को हिला सकते हो क्या? आप में इतनी शक्ति है कि इसको गेट को हिला सको आप? अगर है तो इस गेट को हिला के बता दो मुझे। कोई भी नहीं है, साइन आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी है मगर उसमें इतनी शक्ति नहीं है इस गेट को हिला सके। अंदर आयुष आयुष एक बात नोट करी तूने, जब अपन आए थे गेट हिल रहा था जितने है ना जितने वो पीछे। भाई नोटिस कर सामने गेट हिल रहा है। आयुष उधर चल, पीछे चल, पीछे रुक जा एक सेकंड। वो सामने वाला गेट है ना, वो हिला था। पहले ये वाला गेट गिरा, पीछे भाई जा, पहले ये वाला गेट हिला था और फिर वो वाला गेट हिलते हुए देखा मैंने अंदर से, जब तू कैमरा सामने कर रहा था ना गेट। आयुष भाई भाई पत्थर आया, ऊपर से पत्थर आ रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है। और जो लोग बात कहते हैं वो बिल्कुल सही है, गेट ही लगा था। मैंने तुमने नोटिस करा था भाई। जितू भैया राइट एंड देखो, घबरा मत बेटा, तेरे पास सेफ्टी है, इतना ज्यादा दूर मत भाग। डर लग रहा है यार, आपके बिल्कुल पास में ना यार। कोई बात नहीं, तू अंदर आ, डरा मत। अपन भागने के लिए थोड़ी आए। तो जीतू भैया यार वो बिल्कुल पास में था जीतू भैया आपके। तो टेंशन मत ले बेटा, जो भी चीज है तू थोड़ा गैप बना के रख आयुष, ताकि तेरे को भी मौका मिले। वो एक्टिविटी वापस हो रही है भाई। हवा देखो, हवा देखो। मैंने कभी भी ऐसी एक्टिविटी बहुत, ओ भाई वापस एक बार फोकस कर फटाफट कैमरे को। तो मुझे यहाँ दिखा दो कुछ भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ओ भाई देखो गेट, ओ बाप रे पास में जाओ यार, पास मत, घबरा मत। आयुष तेरे पास सेफ्टी है ना? हाँ मेरे पास कुछ भी सेफ्टी नहीं। एक बार चेक कर पहले जेब में। हाँ जो भी आपने कुछ दिया था तो मेरे को चाहिए। हाँ बढ़िया, तू पीछे हट एक बार,
दोस्तों लॉक लगा हुआ है मगर गेट अंदर से हिल रहा है। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर जाऊं कैसे मैं? मगर आप देख सकते हो कंटिन्यू क्या आप उसी बहू की आत्मा हो? अगर कुछ भी ऐसा है, क्या आप उसी बहू की आत्मा हो? अगर हो तो इस गेट को हिला के बता दो एक बार। या फिर कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी हो, अगर आप उसी बहू की आत्मा हो तो इस गेट को तेज हिला के बता दो एक बार। आयुष घबरा मत बिल्कुल। ठीक है ठीक है, देखो ओ भाई गेट हिल रहा है, गेट हिल रहा है, गेट हिल रहा है, ओ भाई हिल रहा है, वो हिल रहा है दोबारा, वो लॉक हुआ है, ये खुला हुआ है, इसमें देख सकते हैं अपन, इसमें देख सकते हैं अपन। दोस्तों उसके तो लॉक लगा हुआ है, मैं उसमें भी जाऊंगा मगर इसमें देख के बताऊंगा पहले। ये गेट हिल रहा था, सब जगह चेक कर, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक बार इधर चल, इधर कोई भक्त नहीं गया, अगर कोई इंसान है तो कोई भी नहीं है, इधर जंगल है, रूम बना हुआ है सिर्फ। एक बार दिखा दे भाई, इधर दिखा दे, इधर भी दिखा दे, इधर दिखा दे एक बार, इस वाले में भाई आयुष उस वाले को कॉन्सेंट्रेट कर एक बार, उस वाले रूम में लोग लगा हुआ है, इसमें देखते हैं। चितिबिया आपके ऊपर, चितिबिया ऊपर, चितिबिया वही चीज ऊपर। भाई रुक रुक रुक, चितिबिया यार रुक जा, तेरे को मेरे के समय, अगर तू छुप गया तो, तू भाग गया, अगर छुप गया तो तुझे कभी भी लेके नहीं आऊंगा साथ में, ठीक है ना? वापस चलेंगे अपन, मैं इस चीज से बात करूंगा। तूने सांप देखा था? हाँ चितुबे, मेरे ध्यान में नहीं है बिल्कुल भी, था या नहीं था? चितुबे यहाँ देखा था सांप, बिल्कुल कैप्चर हुआ कैमरे में, कैप्चर हुआ इस, मगर वो रूम के अंदर अभी भी कोई है। चितुबे मैं इस रूम में देखूंगा भाई, मुझे कुछ भी करना पड़े, भले इस लॉक को तोड़ना पड़े, मगर मैं अंदर जाऊंगा। क्या आप यहाँ पे मौजूद हो आयुष? मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, ऐसी एक्टिविटी मैंने कभी भी नहीं देखी, मगर तेरे को जाना नहीं है, भगना नहीं है। शायद ये वही रूम है जहां पे उसका वो रहेगा। आयुष ये वही रूम है जिसमें उसकी बहू रहती थी, इसीलिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी इसी रूम में हो रही थी। ओए ऊपर से आवाज, ऊपर से आवाज, चलो ऊपर से आवाज।